हम इस वीडियो में जो है फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं जैसे एम्स, पीजीआई, इसरो, बार, रेलवे हॉस्पिटल, एसएससी फार्मासिस्ट एंड एनी फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अर्थात जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसी को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ए टेराटोजेनिक एक्शन इज, अर्थात एक टेराटोजेनिक क्रिया है। ऑप्शन टॉक्सिक एक्शन ऑन द लीवर, नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कैजिंग फीटल मेलफॉर्मेशन, टॉक्सिक एक्शन ऑन ब्लड सिस्टम, टॉक्सिक एक्शन ऑन किडनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नेगेटिव एक्शन ऑन द फीटस कैजिंग फीटल मेलफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज आर टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन जो किसी दवा के डोज या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है कहलाती है। ऑप्शन इडियोसिंक्रेसी, हाइपरसेंसिटिविटी, टॉलरेंस, टेराटोजेनिक एक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइपरसेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ एंटागोनिज्म आर, अर्थात एंटागोनिज्म के प्रकार हैं। ऑप्शन समराइज्ड, पोटेंशिएटेड, एडेटिव, कंपटेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कंपटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म केमिकल एंटागोनिज्म मीन्स डैट, अर्थात केमिकल एंटागोनिज्म शब्द का अर्थ है। ऑप्शन टू ड्रग कंबाइन विथ वन एनोदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट, टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन एनोदर टू फॉर्म ए मोर एक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट, टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन एनोदर टू फॉर्म ए मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। नेक्स्ट, टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन एनोदर टू फॉर्म ए मोर फैट सॉल्युबल कंपाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टू ड्रग कंबाइन विथ वन एनोदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस डेवलप्स बिकॉज ऑफ, अर्थात टॉलरेंस का विकास किसके कारण होता है। ऑप्शन डिमिनिश्ड एब्जॉर्प्शन, रैपिड एक्सक्रेशन ऑफ ए ड्रग, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इज द टाइप ऑफ ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन विच इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एट रिसेप्टर, सेल, एंजाइम और ऑर्गन लेवल, अर्थात ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन के प्रकार जो रिसेप्टर, सेल, एंजाइम या ऑर्गन लेवल पर इंट्रैक्शन का परिणाम है। ऑप्शन फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन, नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। फार्माकोडायनेमिक ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन अक्यूर व्हेन ड्रग्स एक्ट एट द सेम आर इंटररिलेटेड रिसेप्टर साइट रिजल्टिंग इन एडिटिव सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ ईच ड्रग एट द टारगेट रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट फिनोमेन कैन अक्यूर इन केस ऑफ यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, अर्थात दवाओं की कॉम्बिनेशन का उपयोग करने के मामले में क्या घटना हो सकती है। ऑप्शन टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस, एक्यूमुलेशन, सिनर्जिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सिनर्जिज्म। ए ड्रग इंट्रैक्शन इज ए सिचुएशन इन विच ए सब्सटेंस यूजुअली अनदर ड्रग अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ ए ड्रग व्हेन बोथ आर एडमिनिस्टर्ड टूगेदर, दिस एक्शन कैन बी सिनर्जिस्टिक व्हेन द ड्रग्स इफेक्ट इज इंक्रीज आर एंटागोनिस्टिक व्हेन द ड्रग्स इफेक्ट इज डिक्रीज आर ए न्यू इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड डेट नेदर प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन, अर्थात पोटेंशिएशन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग, नेक्स्ट फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, नेक्स्ट इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। पोटेंशिएशन इन विच देयर इज ए डिग्री ऑफ सिनर्जिज्म दैट इज ग्रेटर देन एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू ड्रग्स विथ सेम इफेक्ट
टेकन टूगेदर प्रोड्यूस एन इफेक्ट डेट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स गिवन इंडिविजुअली इट इज कॉल्ड एज। अर्थात यदि एक ही प्रभाव वाली दो औषधियों को एक साथ लेने पर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जो व्यक्तिगत रूप से दी गई औषधियों के प्रभाव के योग के बराबर होता है, इसे कहते हैं ऑप्शन एंटागोनिज्म, पोटेंशिएशन, एडिटिव इफेक्ट, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एडिटिव इफेक्ट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले एंटागोनिज्म क्या है। एंटागोनिज्म इन विच द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन ड्रग एगोनिस्ट इज रिड्यूस्ड बाई ए सेकेंड ड्रग एंटागोनिस्ट, द सेकेंड ड्रग डिमिनिशेस सम आर ऑल ऑफ द एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट ड्रग। पोटेंशिएशन इन विच देयर इज ए डिग्री ऑफ सिनर्जिज्म डेट इज ग्रेटर देन एडिटिव। एडिटिव इफेक्ट इन विच द इफेक्ट्स ऑफ टू ड्रग्स आर सिंपली एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ऑफ ए ड्रग इज, अर्थात एक दवा की इडियोसिंक्रेटिक क्रिया है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नेक्स्ट ए टाइप ऑफ ड्रग एंटागोनिज्म, नेक्स्ट अनप्रिडिक्टेबल इनहेरेंट क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शन टू ए ड्रग, नेक्स्ट क्वांटिटेटिवली एग्जैजरेट रिस्पॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनप्रिडिक्टेबल इनहेरेंट क्वालिटेटिवली एबनॉर्मल रिएक्शन टू ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज, अर्थात थेराप्यूटिक इंडेक्स है। ऑप्शन ए रेशियो यूज टू इवेलुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ए ड्रग फॉर इंडिकेशन, नेक्स्ट ए रेशियो यूज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग, नेक्स्ट ए रेशियो यूज टू इवेलुएट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, नेक्स्ट ए रेशियो यूज टू इवेलुएट द एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए रेशियो यूज टू इवेलुएट द सेफ्टी एंड यूजफुलनेस ऑफ ए ड्रग फॉर इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस, ऑप्शन एनाल्जेसिया, एमनेसिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट ब्लॉकिंग पेन सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट एलिविएशन ऑफ एंजाइटी एंड पेन विद एन अल्टरेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट ए स्टुपोर और सोमनोलेंट स्टेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्लॉकिंग पेन सेंसेशन विदाउट लॉस कॉन्शियसनेस। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स एक्ट मेनली बाय इनहिबिटिंग सोडियम इन्फ्लक्स थ्रू सोडियम स्पेसिफिक आयन चैनल्स इन द न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, इन पर्टिकुलर द सो कॉल्ड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट शुड नॉट कैच, अर्थात एक अच्छे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के कारण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन लोकल इरिटेशन एंड टिश्यू डैमेज, नेक्स्ट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट फास्ट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, नेक्स्ट वासोडाइलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, फास्ट ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल, नॉन इरिटेटिंग टू द टिश्यू, रैपिड इन एक्शन, सफिशियंट ड्यूरेशन, नॉन एलर्जिक एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कंसिस्ट ऑफ, अर्थात अधिकांश लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में शामिल है। ऑप्शन लिपोफाइलिक ग्रुप, फ्रिक्वेंटली एन एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट इंटरमीडिएट चेन, कॉमनली इंड्यूसिंग एन एस्टर आर एमाइड, नेक्स्ट एमिनो ग्रुप, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, अर्थात फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या शामिल है। ऑप्शन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, नेक्स्ट ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, नेक्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन जीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड्स द एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज, अर्थात
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अधिकांश दवाओं के अवशोषण का मुख्य तंत्र है। ऑप्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन एक्वस डिफ्यूजन, नेक्स्ट इंडोसाइटोसिस एंड इक्सोसाइटोसिस, नेक्स्ट पैसिव डिफ्यूजन लिपिड डिफ्यूजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ए मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स एंड अदर एटॉमिक और मॉलिकुलर सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एन इनपुट ऑफ केमिकल एनर्जी बीइंग ड्राइवन बाय द ग्रोथ ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकोमेलिया इज एन एबनॉर्मलिटी फाउंड ड्यू टू विच वन ऑफ द टेरेटोजेंस। अर्थात फोकोमेलिया एक ऐसा मान्यता है जिसके कारण टेरेटोजेंस में से एक पाया जाता है। ऑप्शन टेट्रासाइक्लिन, फिनोटोइन, थैलिडोमाइड, इंडोमेथासिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड इज ए टेरेटोजेंस कैज्ड फोकोमेलिया एज एन एबनॉर्मलिटी, बट टेट्रासाइक्लिन कैज डिस्क्लेराइजेशन ऑफ टीथ, फिनोटोइन कैज क्लैप्ड प्लेट, इंडोमेथासिन कैज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस अल्ट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्डेनाफिल कंक्यूरेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद ग्राफ फ्रूट जूस में लेड। अर्थात अंगूर के फलों के रस के साथ सिल्डेनाफिल का समीपवर्ती प्रशासन नेतृत्व करता है। ऑप्शन डिक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ सिल्डेनाफिल, नेक्स्ट इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ सिल्डेनाफिल, नेक्स्ट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सिल्डेनाफिल, नेक्स्ट डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ सिल्डेनाफिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ सिल्डेनाफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफेक्ट लीड टू टॉक्सिक रिएक्शंस व्हेन ए ड्रग इज टेकन कंटिन्यूअली और रिपीटेडली। अर्थात जब कोई दवा लगातार या बार बार ली जाती है तो कौन सा विषाक्त प्रभाव अर्थात टॉक्सिक रिएक्शन पैदा कर सकता है। ऑप्शन रिफ्रैक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इट इज द स्टेट इन विच ए सीरीज ऑफ रिपीटेड एक्शंस हैव एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, नोटेड स्पेशली इन द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज आर वीक्स टू डेवलप। अर्थात किसी दवा के रिस्पॉन्सिवनेस में अधिक कमी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, विकसित होने में दिन या सप्ताह लगते हैं। ऑप्शन रेफ्रेक्टोरीनेस, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलेक्सिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीफाइलेक्सिस इज, अर्थात टैकीफाइलेक्सिस है। ऑप्शन ए ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन टू सिमिलर टाइप्स ऑफ ड्रग्स, नेक्स्ट वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस, ए डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज आर वीक्स टू डेवलप, नेक्स्ट नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वेरी रैपिडली डेवलपिंग टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस एंड ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अर्थात टॉलरेंस और ड्रग रेजिस्टेंस का परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ड्रग डिपेंडेंस, नेक्स्ट इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, नेक्स्ट डिप्रेस्ड रीनल ड्रग एक्सक्रिएशन, नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ ए ड्रग आफ्टर हिपेटिक फर्स्ट पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, All of the following statements about efficacy and potency are true except, अर्थात प्रभावकारिता और शक्ति के बारे में निम्नलिखित में सभी कथन सत्य हैं सिवाय। ऑप्शन efficacy is usually a more important clinical consideration than potency, next efficacy is the maximum effect of a drug, next potency is a comparative measure refers to the different doses of two drugs that are needed to produce the same effect, next the AD50 is a measure of drug's efficacy. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, the AD50 is a measure of drug's efficacy. Both AD50 and TD50 are calculated from quintal dose response curves which represent the frequency with which
इच डोज ऑफ ड्रग इलिसाइट्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स आर टॉक्सिक इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफिनेशन फॉर ए थेरापेटिकल डोज। ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द मिनिमल बायोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स हजार्डस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट इन मोस्ट पेशेंट्स। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू एसिलरेट एन इंक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट इन मोस्ट पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ ए टॉक्सिक डोज। अर्थात टॉक्सिक डोज की सही परिभाषा चुने। ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द मिनिमल बायोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स हजार्डस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस द नेसेसरी इफेक्ट इन मोस्ट ऑफ पेशेंट्स। नेक्स्ट, the amount of substance to fast creation of high concentration of medicine in an organism। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, the amount of substance to produce effects hazardous for an organism। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।